हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये मैं अभी जा रहा हूँ लगाने के लिए। ये एक पाउडर है जो कि एंटी डैंड्रफ पाउडर है, जो कि दही में डाल के लगाना है मेरे स्काल्प के ऊपर, बालों के ऊपर। और 2 दिन पहले गया था मैं डॉक्टर के पास मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये आपको अभी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन ख़त्म हो गया था तो डॉक्टर से मिलना भी था और थेरेपी भी लेनी थी। तो मैंने थेरेपी लिया और डॉक्टर से मिला, उनको बताया अभी कैसा चल रहा है मेरा जो भी ट्रीटमेंट है। तो उन्होंने वापस से दवा दिया है, कुछ चेंज किया है उसमें, और चेंज करके वापस से दवा दिया है और ये भी दिया है। तो ये मैं अभी जा रहा हूँ लगाने के लिए, और इसको दही में डाल के लगाना है। तो मैं दही ऑलरेडी लाया हूँ और अभी चलते हैं, लगाते हैं इसको। और लगा के फिर मैं थोड़ा 20 मिनट इसको रखना है बालों के ऊपर, स्काल्प के ऊपर अच्छे से लगाना है, मतलब जो स्काल्प है उसके ऊपर अच्छे से ऐसे फिंगर करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा अच्छे से जाना चाहिए। सो उसके बाद मैं 20 मिनट छोड़ूंगा सूखने के बाद, फिर मैं नहाऊंगा। सो चलो इसको लगाते हैं, शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये है दही और इसको मैं ढक के रखा था क्योंकि कुछ इसके ऊपर जा सकता है। सो ये आधा ही है, आधा मैं खा चुका हूँ क्योंकि ये पूरा भरा हुआ था, तो मैं आधा खाया हूँ और आधा है क्योंकि मुझे उतना नहीं चाहिए था, आधा ही चाहिए था। तो इसको भी मैं अभी डालूंगा इसमें, ये देख सकते हो डॉक्टर बत्रा का लिखा हुआ है, खुल गया। ये है पाउडर, वाइट है बिल्कुल। और ये लगाने के बाद जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरा डैंड्रफ तो बहुत हद तक कम हो गया है क्योंकि दवा भी खा रहा हूँ, ये लगाता भी हूँ, तो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो डॉक्टर ने बोला कंटिन्यू करना है, तो मैं कंटिन्यू इसको कर रहा हूँ। सो इसको मैं डाल देता हूँ इसमें। दो हफ्ते से नहीं लगाया था, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा डालूँ इस बार। कितने बजा, इतने बजाए वो डालता हूँ, कम नहीं पड़ना चाहिए। और है बस एक बार, अभी ये लगाऊंगा दूसरी बार। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ वापस से, अच्छे से बंद होना चाहिए। और इसको रख देते हैं इधर, अभी मैं इसको मिलाऊंगा और मिलाने के बाद फिर इसको लगाएंगे। सो गाइस, मैंने इसमें डाल दिया है पाउडर और अभी मैं इसको अच्छे से मिला देता हूँ ताकि अच्छे से ये मेल्ट हो जाए और उसके बाद लगाएंगे। तो मुझे इसको मिलाना है अच्छे से पहले, उसके बाद लगाते हैं। दही जो है ये मैं सुबह ही लाया था और अभी दोपहर हो रहा है, तो मुझे लग रहा था कि दोपहर में लगाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा काम था। आई थिंक ये मिल गया और अभी मुझे लगाना चाहिए। सो दोस्तों, ये मैंने मिला दिया अच्छे से और अब जा रहा हूँ लगाने के लिए। तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको उठाना है और ऐसे लगाना है जस्ट हाथ से ही। पहले मैं इसको डाल लेता हूँ एक करके एक हाथ से, उसके बाद फिर मैं दूसरा हाथ भी इस्तेमाल करूँगा ये ख़त्म होने के बाद। और सबसे ज़्यादा जो, और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो डैंड्रफ होता था मेरे को और होता है वो इस एरिया में होता है सबसे ज़्यादा, मतलब बाकी पीछे या साइड में ऐसा कुछ प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को इधर ही होता है, ये जो पोर्शन है ना ऊपर का इधर होता है, तो यहीं पे लगाने वाला हूँ ज़्यादातर मैं। और मुझे लगता है कि कम पड़ गया शायद। थोड़ा बहुत गिर भी गया है और मेरे हाथ में बाल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसके वजह से मैं लगाता नहीं हूँ जल्दी, हफ्ते में एक बार ही लगाता हूँ। क्योंकि हाथ में जब फिर बाल देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाता हूँ, आप देख सकते हो बाल आ रहे हैं हाथ में लगाने के बाद। एनी वे लगाना है तो लगाना ही है। ये देखो,
सो दोस्तों मैंने ये खत्म कर दिया है, अभी ये खत्म हो गया, इसको मैं रखता हूँ साइड में और अभी मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि दोनों हाथ यूज करूंगा तो थोड़ा अच्छे से लगा पाऊंगा, मतलब स्काल्प के ऊपर थोड़ा लगेगा, ऐसे फिंगर से ऐसे करना पड़ेगा। अगर ऊपर ऊपर लगेगा सिर्फ बालों के ऊपर तो कोई मतलब नहीं, लगा के अंदर जाना चाहिए तभी ये एक्चुअली में काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं लगा के। तो इसको मैं अच्छे से लगाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों हाथ में बाल आ रहे लगाने के बाद, और यही रीजन है कि मैं लगाता नहीं हूँ जल्दी, हफ्ते में एक बार लगाता हूँ या फिर 10 दिन में लगाता हूँ, क्योंकि जब ये बाल आते हैं हाथ में फिर देखता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। और ये चीज़ मैंने बताई थी डॉक्टर को कि मैं जब लगाता हूँ तो मेरे हाथ में बाल आते हैं या फिर नहाने के बाद जब शैम्पू करता हूँ तब आते हैं, तो उन्होंने बोला है कि आप टेंशन, मतलब जो भी आपके बाल जो निकल रहे हैं उस टाइम, तो तेल लगाने का टाइम या फिर ये पाउडर लगाने का टाइम या फिर शैम्पू लगाने का टाइम, तो उसका टेंशन मतलब आप, वो बाल जब निकल जाएगा तो फिर नया बाल आएगा, ऐसा उन्होंने बोला है, बट आई डोंट नो, देखते हैं। फिलहाल जो मेरा काम है वो मैं कर लेता हूँ, डॉक्टर ने बोला तो है। तो मुझे लगता है मैंने लगा लिया है और अब इसको छोड़ देना चाहिए था सूखने के लिए। तो पहले मैं हाथ धो लेता हूँ क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा बाल आ गया। सो गाइस मैंने लगा लिया है अच्छे से और पूरा जो है स्काल्प के ऊपर मैंने दही और पाउडर को मिक्स करके हाथों से उसको लगा लिया है, और इसको मैं छोड़ूंगा कम से कम 25 मिनट, आधा घंटा भी छोड़ सकता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं नहाऊंगा, मतलब आधे घंटे के बाद फिर मैं नहाऊंगा, शैम्पू करूंगा और तब तक ये सूख जाएगा। तो जो भी डैंड्रफ है स्काल्प के ऊपर इस एरिया में, उसको ये पूरा मतलब कि अंदर से थोड़ा वो निकाल देगा पूरा, मतलब जब भी लगाता हूँ मैं, जब भी इसको यूज करता हूँ और आधे घंटे के बाद फिर मैं जब नहा लेता हूँ, नहाने के बाद जो जो ये एरिया है या फिर बाल है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा फील आता है, मतलब कि लगता है कि हाँ एकदम स्काल्प साफ हो गया है और बिल्कुल क्लीन हो गया है, हल्का मतलब महसूस होता है, तो इसलिए मैं लगाता हूँ और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मैंने लगा लिया है और अभी जैसा रहेगा आपको अपडेट देता रहूँगा मैं। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।